हेलो गाइस, व्हाट इज अप, माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमटेक प्लेसमेंट्स इन इंडिया के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि एमटेक सिनेरियो क्या है इंडिया के अंदर और प्लेसमेंट में डिफरेंसेस क्या हैं। हम बात करेंगे बीटेक और एमटेक के बच्चों के अंदर मेंटेलिटी में क्या डिस्क्रिमिनेशन आता है अगर आप अच्छे कॉलेजेस के अंदर जब एडमिशन लेते हो गेट के थ्रू। और हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट्स के जो नंबर्स हैं उनमें कितना डिफरेंस है, बीटेक के प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छे हैं या एमटेक के प्लेसमेंट अच्छे हैं, या कितना डिफरेंसेस है, क्या कंपनीज डिस्क्रिमिनेट करती हैं बीटेक और एमटेक के बच्चों को, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और हम बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं एमटेक के बच्चे, और हम बात करेंगे कि स्टैट्स स्पेसिफिक कि किस कॉलेज में कितना प्लेसमेंट गया है, एवरेज सीटीसी कितना है, मैक्सिमम सीटीसी क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि हम लोग एमटेक करते क्यों हैं, उसका रीज़न होता है कि हमें या तो अच्छे प्लेसमेंट चाहिए या हम हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। तो जो मोस्टली 80-90% जो लोगों का जो चैलेंज रहता है, 80-90% जो लोगों का मोटिवेशन रहता है गेट एग्ज़ाम या एमटेक करने का, वो होता है कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। जनरली क्या होता है कि ऑलमोस्ट 70-60% जो कॉलेजेस हैं वो अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, जहाँ पर कंपनीज रीच नहीं करती हैं, तो हमको कंपनीज़ को रीच करना पड़ता है, राइट। अगर कंपनीज रीच नहीं करेंगे तो हम रीच करेंगे। तो वो कैसे होता है कि जो बच्चे बीटेक में हैं, अपना कॉलेजेस उनका उतना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। गेट एग्ज़ाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जब ये एग्ज़ाम कोई देता है तो इसके थ्रू आपको गेट स्कोर मिलता है, उसके थ्रू आपको जो हमारे टॉप कॉलेजेस हैं IITs, IIITs, NITs और जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं लाइक बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स ग्रुप हो गया पूरा, और भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो गेट स्कोर को दिखा के। तो जब आप एडमिशन लेते हो तो गेट इज़ अ फिल्टर क्राइटेरिया, जैसे JEE एक फिल्टर क्राइटेरिया है, उसी तरह से गेट एक फिल्टर क्राइटेरिया है। तो एडमिशन लेने के बाद जब आप एमटेक में जाते हो तो अब आप सबसे पहले देखते हो कि यार यहाँ पे तो बिल्कुल माहौल ही अलग है, अलग अलग कोर्सेज हैं, टफनेस लेवल अलग है, अकेडमिक्स बिल्कुल अलग है, तो अब कैसे इससे डील करें। तो आपके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, आपकी अकेडमिक्स की टफनेस अलग होती है, तो अब आपके साथ चैलेंजेस होते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो वो सब मैंने वीडियो में बना रखा है, कैसे टफनेस है, कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, प्लेजरिज्म से कैसे बचना है और अकेडमिक्स पर क्या क्या फोकस करना है, तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं इस पर, वो आप देख सकते हो। मेन मुद्दे पर आते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। जब आपके प्लेसमेंट्स तैयार हो, जब फर्स्ट सेम सेकेंड सेम मोस्टली जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो सेकंड सेम के बाद होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता फर्स्ट और सेकंड सेम में पढ़ने का, बहुत ही कम टाइम मिलता है। जो भी टाइम मिलता है वो वीकेंड्स में निकालते हो या कॉलेज के बाद निकालते हो। जब आप एमटेक में एडमिशन लेते हो तो प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम मिलता है। जो भी प्रिपरेशन आप करते हो वो या तो पहले करते हो या समर ब्रेक्स के अंदर आप करते हो, ठीक है। जब आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है जितनी मुझे फाइट करने के लिए चाहिए, क्या एमटेक और बीटेक के बच्चों के साथ मुझे कम्पीट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है यस। जब प्लेसमेंट होते हैं तो सारे लोग एक साथ ही बैठते हैं, सेम ही पूल में बैठते हैं, सबके एग्ज़ाम भी सेम ही होते हैं, तो डिफरेंसेस आता है प्रिपरेशन में। बीटेक के बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं बिकॉज उनकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी थी और उनका बैकग्राउंड अच्छा था, उन्होंने इंटर्नशिप भी की हुई है। तो इन कंपैरिजन टू दैट एमटेक के बच्चे थोड़ा कोडिंग में पीछे हाथ होता है उनका, बिकॉज वो गेट की तैयारी करते हैं, एक साल पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल पूरा पढ़ रहे होते हैं वो, ठीक है। तो जब ये कर रहे होते हैं ना सारे बच्चे, तो यही दिमाग में आता है कि यार हमारी प्रिपरेशन कम क्यों है। जैसे मेरे केस में क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा अगर टाइम मिलता ना 2-3 महीने और, तो शायद मैं अच्छे से और अच्छी लाइक प्लेसमेंट क्रैक कर सकता था, बट कोडिंग स्किल को काम करने के लिए सिर्फ 1-2 महीना ही मिला अच्छे से काम करने के लिए। बाकी अगर और थोड़ा टाइम मिलता तो और अच्छी हम चीज़ें कर सकते थे और कहीं भी ट्राई कर सकते थे, तो ये एक चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती है। बाकी अब हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन पे बात करते हैं कि बीटेक और बच्चे और एमटेक के जो बच्चे हैं उनमें क्या डिस्क्रिमिनेशन रहता है, मेंटेलिटी में कंपनीज़ कैसे डिस्क्रिमिनेट करती हैं। तो जनरली जैसे मैं अपना बताऊँ, IIIT दिल्ली के अंदर मैंने जो फील किया वो 0 or I would say 5% ही डिस्क्रिमिनेशन था। कई बच्चों, मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे जो हाँ ऐसा फील होता था कि यार ये थोड़ा सा अलग फील कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल जो क्राउड था वो दे वर रियली गुड, दे आर रियली रिस्पेक्टफुल एंड लाइक रियली फ्रेंडली,
तो आई डेंट सी कि मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मेरे साथ हैरेसमेंट हो गई मेरी, तो ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। बट मेंटल की कुछ लोग होते हैं जो ऐसा फील करा देते हैं आपको अगर ज़्यादा बात करोगे आप उनसे। तो वही है कि हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, हमें अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, हमें अच्छे प्लेसमेंट पे ध्यान देना है, हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो इन सारी चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं था। तो इसी मैं समझता था कि सारे दोस्त ही हैं, तो आज भी मेरे बहुत सारे बीटेक के फ्रेंड्स हैं, और हरमन सिंह आप जानते हो यूट्यूबर, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ऐसी बात नहीं है कि सारे बच्चे बहुत ही ख़राब होते, कुछ होते हैं एलिमेंट्स जो आपको ये चीज़ फील करा सकते हैं कि हाँ वी आर डिफरेंट, जी एग्ज़ाम कुछ था जो आप भूल गए थे करना, जो ये लोग करके आए थे। तो ऐसा आप ना सोचना, आप अच्छे से फ्रेंडली रहो। अब हम बात करते हैं कि कंपनी जब, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी डिस्क्रिमिनेट करती हैं। तो आई वुड से कि अगर टोटल कंपनीज 100 है ना, तो 5 से 6 कंपनीज आपको अलाउ ही नहीं करेंगी। मैं उनके नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, बट कुछ कंपनीज थी जो आपको अलाउ ही नहीं कर रही थी एमटेक वाले बच्चों को। अब भाई कंपनी आपकी है, आपका डिसीजन होगा कि आपको कौन से बच्चे चाहिए, ठीक है। तो उनका जो भी डिसीजन था, उन्होंने क्या था, बीटेक ओनली कंपनीज अभी आती हैं, कुछ होती हैं, मेजॉरिटी नहीं होती हैं, बहुत ही माइनर होती है। आई वुड से 5 से 10 कंपनीज ऐसी हो सकती हैं, अगर 100 कंपनीज टोटल आ रही हैं तो, जो सिर्फ बीटेक को अलाउ करती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ एमटेक को अलाउ करती हैं, तो 1-2 कंपनी वो भी थी जो सिर्फ एमटेक को अलाउ कर रही थी, पीएचडीज को अलाउ कर रही थी। तो आई वुड नॉट से कि बट हाँ, एक जब मैंने पहली बार ये देखा कि बीटेक ओनली, तब मुझे लगा यार कुछ अलग हुआ है, ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसने अलाउ करना चाहिए था, या पैकेज सीटीसी थोड़ा ज़्यादा क्यों है बीटेक का। हमारा जो कॉलेज का डिपार्टमेंट है ना, वो इंश्योर करता है कि जो सीटीसी है या तो इक्वल हो या एमटेक का ज़्यादा हो, वो इंश्योर करता है ये चीज़, ठीक है। तो उतनी दिक्कत नहीं होती कंपनी वाइज, बट हाँ कुछ कंपनीज में आपको देखने को मिल सकता है ऐसा है, मैं नाम नहीं बता सकता ऑब्वियसली। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं प्रिपरेशन में। सबसे पहला मैंने जो बताया कि आप जब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो आप बहुत जल्दी उसको शुरू कर देना, आप स्टार्टिंग में ही, जैसे ही आपकी एमटेक स्टार्ट हो। तो इससे क्या होगा कि आपको एंड मूवमेंट पर ज़्यादा रश नहीं करना पड़ेगा, वो प्रिपरेशन आपकी बहुत काम आएगी। जब आप ये कर लोगे, फिर आप चैलेंज क्या फेस करते हो, एकेडमिक का चैलेंज। तो ऐसा ज़रूर करना कि कोई भी अपना जो CGPA है ना, वो हाई रखना, बिकॉज अगर आपका CGPA IIIT दिल्ली स्पेसिफिक अगर वो 7 से कम है, तो आप काफ़ी सारी कंपनीज में बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। 6.5 से कम है तो वो तो फिर आप एमटेक में ही आपकी क्वालिफाई नहीं हुए। तो 7 तो मिनिमम रखना है, 8 इज़ गुड। तो ऐसा CGPA का भी बड़ा चक्कर रहता है, काफ़ी बच्चे एलिजिबल ही नहीं होते CGPA की वजह से, तो ये बड़ी मिस्टेक मत करना आप। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली पैकेज डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन की, बात कर ली कंपनी डिस्क्रिमिनेशन की, बात कर ली, और अब हम बात करते हैं स्टैट्स के बारे में कि क्या क्या प्लेसमेंट के सिनेरियो हैं। तो अगर आपकी रैंक 1500 से नीचे है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, IIIT दिल्ली, IITs, IIITs, NITs और जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आपके चांसेस हैं प्लेस एमटेक एडमिशन के। तो आप ट्राई करें, 1000 के नीचे रैंक आए तो आप ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे एडमिशन लेने के। 1500 पे भी हो रहे हैं, 2000 पे भी हो रहे हैं, जैसे IIIT के केस में सिनेरियो अलग है, 50-50 का रेशियो है। मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत टाइम से वो पेंडिंग है कि व्हाट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन टू IIIT दिल्ली यूजिंग योर बीटेक मार्क्स एज वेल एज योर जो आपका गेट स्कोर है। तो यहाँ पे रैंक का बड़ा चक्कर नहीं रहता, आपका बीटेक का बहुत ज़्यादा काम आ जाता है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं IIIT नहीं, आई वुड से IIT बॉम्बे का जो मीडियन प्लेसमेंट चल रहा है इस वक्त एमटेक के बच्चों का, वो है 20 से 25 LPA। ये मैं CTC की बात कर रहा हूँ, CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी, दिस इज़ नॉट इन हैंड सैलरी। इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, स्टॉक होते हैं आपके, आपका बोनस इसमें इन्वॉल्व होता है। तो IIT बॉम्बे का 20 से 25 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो CTC ऑन एन एवरेज। IIT मद्रास 19 से लेके 23 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। IIT दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, 20 से 24 लाख। IIT खड़गपुर, IIT कानपुर 24-25 मैक्सिमम, जो एवरेज की जो मैं रेंज बोल रहा हूँ उसका मैक्सिमम। NITs के अंदर जो प्लेसमेंट होता है उसकी रेंज 12 से लेके 18 लाख के बीच में रहती है, आपका CTC इतना हो सकता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट्स रियली गुड पैकेजेस फॉर अ फ्रेशर टू स्टार्ट विद, बिकॉज जिस कॉलेज से हम आते हैं, जिस महान कॉलेज से हम आते हैं IBTech के, उनके हिसाब से बहुत अच्छा है, इज़ अ गुड पोजिशन टू स्टार्ट विद। बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं कि इनिशियली इन्फोसिस, TCS जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद फिर उनका प्लेसमेंट इतने में होता है या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जब वो 2 साल के बाद डायरेक्ट कर रहे होते हैं, हम पढ़ाई का हमें मौका मिल रहा है, हमारी फर्स्ट कंपनी ही
प्रोडक्ट बेस बनती है तो उसका एक एडवांटेज रहता है। प्लस ये एडवांटेज रहता है कि हमारा जो एलुमनाई नेटवर्क है बहुत अच्छा हो जाता है, हमें एक अच्छा नेटवर्किंग मिलता है, हमें एक अच्छे इंस्टीट्यूट का एसोसिएट मौका ना मौका मिलता है। अगर जिसका किसी का इंटरेस्ट अगर रिसर्च में है तो वो लोग रिसर्च भी बड़े अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, आगे PhD में भी जा सकते हैं। तो ये सारी उसमें एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो होगी IITs में। अगर आप IIT जा रहे हो बिकॉज आपकी रैंक अगर 1 से लेके 300-400 तक के हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस है IITs मिले, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपका CTC होगा वो 15 से लेके 25 लाख के बीच में हो सकता है। बट आप NITs में जा रहे हो तो उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी रेंज आप कम कर लो। अब मैं बात करता हूँ IIIT दिल्ली और IIIT बैंगलोर जिनमें मेरे को जाने था। मेरी रैंक एक्चुअली 839 आई थी, तो दिस आई डिडंट लुक टू NITs और IITs में मैंने रिसर्च पोजीशन में भी अप्लाई नहीं किया था बिकॉज मुझे नहीं करनी थी रिसर्च उस समय। तो IIIT दिल्ली के अंदर इस बार जो प्लेसमेंट है वो 16 से लेके 20 लाख एवरेज CTC हमें मिला है IIIT दिल्ली के अंदर। IIIT बैंगलोर के अंदर वो 24 लाख तक गया है एवरेज CTC। तो ये एवरेज की बात हो रही है, एवरेज के अंदर हमारे में कम से कम 120 बच्चे हैं, तो एवरेज आप देख लो ऊपर नीचे होता है। जैसे मेरी कंपनी है तो उसके अंदर जो बच्चे हैं वो IIT से भी हैं, NIT से भी हैं, IIIT से भी हैं, तो पैकेजेस में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, वो बोनसेस बढ़ा के दे देते हैं। CTC बढ़ने से पैकेज बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं है बिकॉज वो बोनस में एडजस्ट कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट सिनेरियो है। MTech इज़ अ गुड थिंग अगर आप अच्छे से इसको करना चाहते हो, रियली रियली यू आर इंटरेस्टेड इन CS, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो इट्स अ गुड थिंग। आपके बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं अगर आप प्रॉपरली पढ़ें, गेट एग्ज़ाम क्रैक करें और एडमिशन लें IITs के अंदर, IIITs के अंदर, NITs के अंदर, MTech के थ्रू। बहुत ही अच्छा आई वुड से कि फ्यूचर है। जितने लोगों को मैं जानता हूँ उनकी लाइफ चेंज हुई है इस एग्ज़ाम की वजह से। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखे जिनकी लाइफ चेंज हुई है इस एग्ज़ाम की वजह से, एंड रियल एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। बट आजकल जो सिनेरियो चल रहा है वो BTech के बाद सीधा लोग प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं और उन्हीं में क्रैक करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक पाथ है। आई वुड नॉट से कि वो पाथ नहीं है, वो भी एक बहुत ही अच्छा पाथ है, सक्सेसफुल पाथ है। उसमें आपका 1-2 साल बच जाते हैं, वो साल एज एन एक्सपीरियंस आपके काउंट हो जाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है उसमें। बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है आई वुड से। आप अगर गेट एग्ज़ाम भी नहीं हुआ तो आपकी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी, आपके कोर सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैंने तो इसी वजह से सोच के किया था कि मैं CS पढ़ रहा हूँ, मैं CS का सब कुछ पढ़ने वाला हूँ। तो ये मेरी एक तरह से मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो एक्सपीरियंसेस है, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को थोड़ा रीच दिलाइए, कमेंट करिए, अपने लाइक्स मारिए। और किस टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, आपको पेड सेशन चाहिए, मैं आपकी काउंसलिंग करूं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेट्स से कन्फ्यूजन है, तो आई कैन डू पेड काउंसलिंग जिसमें मैं आपकी ट्रैकिंग रखूंगा पूरा और इंश्योर करूंगा कि आपका अच्छा करियर बने। ठीक है, तो कई बच्चों की एक्चुअली रिक्वेस्ट आई थी कि भैया मुझे बात करिए, मेरे से 1 घंटे प्लीज़ मुझे समझाइए, तो फ्री में पॉसिबल नहीं है, वो मैं यूट्यूब के थ्रू ही कर सकता हूँ। बट अगर आपको पेड चाहिए, सीरियस कंसल्टेशन चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।